चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहनलाल बडोली जी, खासकर आपका टोटल टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव हैं, ये बताइए आज चुनाव समिति की बैठक हो गई है और बैठक में काफी सारे अहम फैसले हुए हैं, थोड़ा सा एक बार टोटल टीवी के दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर क्या क्या फैसला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक 22 और 23 तारीख को 2 दिवसीय रही है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में हमने विचार विमर्श किया है। एक पैनल तैयार हुआ है और उस पैनल की रिपोर्ट हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे और जबकि हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो अंतिम फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक सीट पर कितने लोगों का पैनल बनाया बताने के लिए चुनाव समिति की बैठक आज केवल उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है या कैंपेन की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई? पूरी रणनीति चुनाव को जीतने की सब प्रकार की चर्चा चुनाव समिति बात में हम चुनाव समिति की बैठक हमारा रखते हैं, जैसी डेट आएगी हम दो सूची में आएंगे उम्मीदवार, दो में भी आ सकते हैं, तीन। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आपका। और मोहनलाल बडोनी जो कि टोटल टीवी पर एक्सक्लूसिव थे वो बता रहे हैं कि 2 से 3 में भी आ सकती है। आखिरी फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है और केंद्रीय नेतृत्व कब लेता है ये फैसला, ये देखने वाली बात है। अब बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें केंद्र नेतृत्व के पाले में अब गेंद है, अब आगे की रणनीति किस तरीके की बनेगी। ललित, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कई बार हमने देखा कि प्रदेश स्तर पर रद्दोबदल देखने को मिला, आगे की रणनीति और ज्यादा दिलचस्प हो रही है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारी पार्टी की आगे भी देखने को मिल सकती है, आगे की रणनीति और क्या कहती है? तो चुनाव समिति की बैठक हुई है गुरुग्राम में, ये बैठक चल रही थी अब खत्म हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली बता रहे थे टोटल टीवी को कि आगे की रणनीति पूरी तरह से पार्टी बना रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती के साथ पार्टी जाने की के लिए तैयार है और केंद्र के अब पाले में गेंद है कि केंद्र किस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव करता है, दावेदारी किस तरीके की रहती है, जिताऊ कौन होता है, टिकाऊ कौन होता है, ये तमाम पहलू हैं जिन पर अब केंद्र नेतृत्व तय करेगा आगे का हरियाणा विधानसभा का रण किस तरह से लड़ा जाए।